घट जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ये समझिए कि 24 कैरेट के सोने को 18 कैरेट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके पीछे एक रीजन ये है कि जब हम कोई आभूषण ज्वेलरी है जैसे कंगन है या अंगूठी है, इसको जब बनवाते हैं तो इसको कोई आकार दिया जाएगा, तो इसका कोई ना कोई आकार होगा। जिस तरीके से अगर दोस्तों जो 24 कैरेट का सोना होता है, जो शुद्ध सोना होता है, वो बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, तो उसको कोई आकार नहीं दे सकते। आकार देने के लिए उसमें मिलावट करनी पड़ेगी। जैसे आपकी बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी है तो क्या उसको आप कोई आकार दे सकते हैं? तो उसकी एक वो होती है स्टैंडर्ड लिमिट की, उसमें और थोड़ा सूखी मिट्टी मिलाई जाए, फिर उसको घड़ा बना सकते हैं या ग्लास बना सकते हैं। ठीक उसी तरीके से 24 कैरेट के सोने को, जिससे हम कोई गहना नहीं बना सकते, तो गहना बनाने के लिए जैसे अंगूठी या कुछ भी बनाने के लिए उसकी प्योरिटी को घटाते हैं, ताकि जो दूसरी धातु हैं वो उसको आकार देने में मदद करती हैं। तो यहाँ पर हम 24 कैरेट के सोने को 18 कैरेट या कोई अन्य कैरेट में आसानी से बना सकते हैं। जैसे 24 कैरेट को अगर 22 कैरेट बनाना है तो यहाँ पर 24 भाग में बांटेंगे, दो भाग निकाल लेंगे और फिर दो भाग कोई अन्य धातु मिला देंगे। अब देखिएगा